वेलकम टू जी जायकास किचन। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठी, बहुत ही खुशबूदार। आज आपके साथ मैं गाजर की खीर, जिसे गजरेला भी कहते हैं, हर कोई अपने अपने नाम से इसको जानता है और पहचानता है और इस डिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी मांग होती है, लेकिन इसके बनाने का कोई सीज़न मुकर्रर नहीं है कि आप लोग जिस मर्जी सीज़न में चाहें इसको बना सकते हैं। ये 1.5 लीटर मैंने मिल्क लिया था, इसके अंदर मैंने 1 कप बॉईल किए हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिया, 2-3 से 4 इलायची डाल के इसको मैं मसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि जो चावल अच्छे तरीके से मैश हो जाए और ये इसका दाना ख़त्म हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए उस वक्त तक मैं इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करूँगी। और मसलसल इसके अंदर मैं चम्मच चला रही हूँ और फूडन स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ये जो गाजर की खीर गजरेला बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही थिक बनेगा। आप लोग ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो किया करें, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, इसको स्किप मत किया करें, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सी ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि आपके किचन के लिए बहुत कारामद होती हैं। तो लिहाजा आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें। अगर आप तो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो पे और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको वॉच कर सकें। कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्वीट डिशेस होती हैं उनमें वो लोग नट्स खाना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें खाते हैं, यानी कि वो कहते हैं विदाउट नट्स के हम लोग खीर, गजरेला, गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें खाएं। लेकिन जब तक इन स्वीट डिशेस में नट्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि नट्स स्वीट डिश की जान है। तो लिहाजा आप लोग नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करें ताकि उससे आपका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और नट्स खाने से आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाता है। तो इस तरफ मैंने 1.5 कप के करीब गाजरों को कद्दूकश करके रखा हुआ था। गाजरों का कलर देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत, कितना ब्राइट है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इस मौसम में आपको गाजरें मिल तो जाएंगी लेकिन वो ऑरेंज कलर की होंगी, लेकिन इसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रेड गाजरों का इस्तेमाल करें। आपको जो से भी गाजरें मिलती हैं ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लजीजा गाजर खीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल फ्लेवर होगा। बल्कि ये मैं आपको जो जिस तरीके से नेचुरल तरीके से बता रही हूँ इसका फ्लेवर कुछ और होगा, और जो डब्बे के आप लोग यूज़ करते हैं खीर फिरनी वगैरह उनके फ्लेवर कुछ और होते हैं। जाहिर सी बात है उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल की जाती है ताकि उनको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे मसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ये लग ना जाए, और साइडों से मैं इसको मिक्स करते हुए इस दूध के अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और रबड़ी जैसा फ्लेवर आए। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद मसलसल इसको पकाने के बाद इसकी थिकनेस ये आई है और कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड कर दी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार या आपका गाजर की खीर गजरेला रेडी हो चुका है। इसका खूबसूरत सा कलर देख रहे हैं और चावल भी बिल्कुल मैश हो गए हैं और गाजरें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। कुछ लोगों को गाजरें यानी कि लंबी लंबी पसंद होती हैं, वो यानी कि खड़ी खड़ी रखते हैं और उसी कंडीशन में ये वो लोग फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैं नट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें है किशमिश है और खोपरा है, पिस्ते हैं और बादाम। मैं गार्निश के लिए ऊपर से इसकी गार्निश करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ईद आ रही है, ईद पर बनाइएगा। मीठी ईद पर तो वैसे भी मीठी मीठी चीज़ें और अच्छी लगती हैं, और ताकि मीठी चीज़ें खाने से अपनों में और घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होती है और आप लोग एक दूसरे के साथ ये मीठी रेसिपी शेयर भी कर सकते हैं और बना के एक दूसरे के घर भी भेज सकते हैं। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको ठंडा करके खाएंगे तो इसका मज़ा दुबारा हो जाएगा।
ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी डन हो चुकी हुई है, तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं इसको मट्टी के बोल में निकालूंगी, मट्टी के बोल में इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत मज़ेदार सुंदर सुंदर सी खुशबू आएगी। पहले वक्त में ये मट्टी की छोटी छोटी बॉल्स होती थी, प्लेट्स होती थी, उनमें ये लोग क्या करते थे, पका के न्याज के तौर पर बांटा करते थे। तो आप लोग मट्टी के बोल में निकालें तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार बनेगी ये, और इसको हम ठंडा करके खाइएगा। इसको मैंने बादामों के साथ गार्निश कर दिया है और मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखिए जनाब, ये मैंने एक छोटी प्लेट, मट्टी की छोटी प्लेट में ही निकाली है और एक बॉल में है। अब मैं इसको खाती हूँ और बताती हूँ इसका टेस्ट। मज़ेदार, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो इनबॉक्स में मुझसे कर सकते हैं, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।